हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइडेन के साथ में जो होज पाइप होते हैं। एक तो नॉर्मल रोल होता है, दूसरा डक्स रोल होता है। डक्स रोल और नॉर्मल रोल में कंपेयर, किसना जल्दी हो सकता है, कौन सा जल्दी होज पाइप खुलता है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और क्या क्या बेनिफिट हैं डक्स रोल से, आप लोगों को डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है। डक्स रोल ये जो कपलिंग के साथ में अटैच है, लैंडिंग वाल के साथ में दिखिएगा, ये अटैच होकर रहता है और ये एक साइड से लपेटा जाता है ताकि आराम से खुल सके। इसकी कपलिंग एक बाहर रखी हुई है और इसके अंदर जो कपलर वाशर होता है इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा, अगर हमें फायर फाइटिंग करनी है, अचानक खोलना पड़ जाए, देखो कपलिंग को पकड़ा और जो भी बंद पर्सन इसको निकाल रहा है फटाफट आगे को भग जाए, इसको विदाउट किसी मेहनत के, विदाउट किसी फोर्स के आराम से इसने होज पाइप को फ्लोर पे बिछा लिया या सीधा कर लिया, इसके साथ में आराम से फायर फाइटिंग कर सकता है। थोड़ा टाइम लगा और फटाफट हो गया। इसका सेम मैं बताऊंगा आपको कैसे फोल्ड होता है, आप इस वीडियो में देखिएगा फोल्ड करने का क्या तरीका है। बड़ा ही आसान है, कपलिंग को पकड़ा, दूसरी कपलिंग के पास ले के आएंगे होज के साथ में, ये 1 फुट 2 फुट पहले रख दिया ताकि हम आगे जो हाइडेन को कनेक्ट करेंगे तो आसानी से हो जाए। इसके बाद रोलिंग स्टार्ट कर दी है, अब ये रोल कर रहे हैं आसानी से, ये भी हो जाता है, बस थोड़ा देखने का फर्क है। देखिए मुश्किल से 20 सेकेंड लगेंगे, 20 से 25 सेकेंड और ये रोल हो जाएगा। और इस डिस्प्ले में आप लोग देखिए इस किस टाइप से ये हाइडेन में कनेक्ट करेगा और फिक्स्ड कर देगा ये जो इसका जो हैंगर है उसके अंदर। बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका है। अगर आप ये बिल्डिंगों में इस टाइप से लगाएंगे तो दो फायदे हैं, तो इसका रबड़ वाशर जो कपलर वाशर अंदर पड़ा होता है वो भी चेक हो जाएगा और इसमें ऑयलिंग बड़े आराम से हो जाएगी और आराम से इसको हम फैला भी सकते हैं। इसके बाद मैं आपको देखिए, ये देखिए कपलिंग बड़ी आसानी से ये लगा दी, ये परमानेंट फिक्स रहेगी इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा डक्स रोल। अब हम आपको नॉर्मल दिखाएंगे, ये देखिएगा नॉर्मल पहले हमें ऐसे लगानी पड़ती है ब्रांच कपलिंग को हाइडेंट में और फिर खोलना पड़ता है, खोलने में भी फोर्स लगता है, कंधे के ऊपर हाथ करके फिर स्टेप बाय स्टेप खोलिएगा। तो इससे बेटर ये हमारा डक्स रोल रहता है। डक्स रोल में बड़ी ही आसानी से होज पाइप पूरा खुल गया, आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे, बड़ा ही आसान था डक्स रोल का। बाकी अगर आप लोग बिल्डिंग में लाना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, कम दूरी में ज़्यादा ज़्यादा काम होना फायर फाइटिंग के लिए उपयोगी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा और इसमें ये देखिएगा देखो कितनी आसानी से मतलब डक्स रोल करके और इसको बंदे ने फिट कर दिया। ये जो नॉर्मल आपका फोल्ड है इसमें टाइम थोड़ा सा लगता है एक्स्ट्रा। जय हिंद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी अच्छी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मैं आपको अगली वीडियो आपके टाइप की बना सकूं। जय हिंद।